नमस्कार, आप देख रहे इंडिया न्यूज हरियाणा, आपके साथ मैं हूं प्रिया। वक्त हो चला है फटाफट 100 का, तो आइए देख लेते खबरें फटाफट अंदाज में। शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 का परिणाम घोषित हुआ। स्वच्छता सर्वेक्षण में दूसरे नंबर पर हरियाणा, 100 से कम निकाय वाले राज्यों में हासिल किया दूसरा स्थान। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में करनाल 17वें पायदान पर रहा, जो कि पिछले साल 24वें स्थान पर था। स्वच्छ मिशन कार्यक्रम के तहत शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने करनाल के कूड़ा बीनने वालों से बात की। कूड़ा बीनने वालों ने बताया कि पीएम की चलाई जा रही योजनाओं से फायदा हो रहा है, बाकी लोगों को भी सुविधाएं मिलनी चाहिए। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया, इस उपलब्धियों के लिए प्रदेशवासियों, अधिकारियों और सफाई कर्मियों को बधाई दी। पीएम नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से हम लोग इस दिशा में लगातार प्रयासरत रहेंगे, ये उन्होंने ट्वीट किया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा दूसरे नंबर पर आया, जिसके लिए नगर निगम, पालिका परिषद के अधिकारियों कर्मचारियों को मुबारकबाद। उम्मीद है कि अगली बार हरियाणा नंबर वन पर आएगा। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने सहकारी समितियों के संचालन कार्यप्रणाली को लेकर समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार से बात कर उन्हें दिशा निर्देश दिए। बनवारी लाल ने कहा कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी की उपलब्धता ही आधी से ज्यादा समस्याओं का हल है। जनता की तकलीफों को दूर करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ओपी धनखड़ ने कहा कि कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूत करने के लिए मूल मंत्र दिए गए। ओपी धनखड़ ने कहा कि सभी बीजेपी कार्यालयों में कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे। कोरोना काल में कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया। नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में जोश और अनुभव दोनों का समावेश। कृषि अध्यादेशों पर ओपी धनखड़ ने कहा कि किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, विपक्ष अफवाहें फैला रहा है। तीनों कानून किसानों के हित के लिए है। विपक्ष ने सुधारों का नाम घोटाला रख दिया। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने अपने राज्य में कोई भी ऐसा काम नहीं किया है, भावनात्मक खेल और बोल बोल कर बड़ौदा की जनता को बहकाने का काम कर रही है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर फीडबैक लिया, जिम्मेदारी लगा दी जाएगी। बड़ौदा में कमल खिलाने को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए जेपी दलाल ने कहा कि विपक्ष सुधारों को घोटाले का नाम दे रहा है, कहीं भी लूप होल नहीं छोड़ा जाएगा, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। कृषि मंत्री ने कहा कि सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं पर सरकार काम कर रही है, नंदीशालाओं और गौशालाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है। बरसात के बाद सड़कों पर जलभराव की समस्या पर बोले जेपी दलाल, बरसाती पानी निकालने की लाइन अलग नहीं होने की वजह से पानी भरता है, जनता सीवर्स में प्लास्टिक और कूड़ा डाल देती है जिससे वो रुक जाते हैं। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई है, बड़े भाई की जिम्मेदारी बनती है कि वह छोटे भाई को उसका बस हिस्सा दे। मुख्यमंत्री ने मजबूती से पक्ष रखा, उम्मीद है कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलेगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यह भी बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत देश के महापुरुषों के बारे में पाठ्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा सामग्री शामिल की जाएगी, ताकि देश की युवा पीढ़ी अपने महापुरुषों के बारे में जान सके। 200 करोड़ की लागत से अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर बन रहे 1857 क्रांति के शहीदी स्मारक का गृहमंत्री अनिल विज ने निरीक्षण किया। विज ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को काम में तेजी लाने के आदेश भी दिए। गृहमंत्री अनिल विज ने बताया कि यहां पर 1857 की क्रांति की शुरुआत से लेकर अंत तक के एक एक पहलू का आधुनिक तकनीक के साथ प्रदर्शन किया जाएगा। उम्मीद है कि मार्च तक यह स्मारक बनकर तैयार हो जाएगा। राहुल गांधी के बेरोजगारी वाले बयान को लेकर विज ने कांग्रेस पर वार किया, कहा कि यह नकारात्मक और सकारात्मक सोच का फर्क है, किसी को गिलास आधा भरा हुआ नजर आता है तो किसी को खाली। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि गृहमंत्री बनने के बाद पुलिस अधिकारियों को लोगों की ग्रीवेंस सुनने के आदेश दिए। रोजाना 11 से 12 एसपी कमिश्नर समेत तमाम अधिकारियों को लोगों की ग्रीवेंस सुननी होगी। बीजेपी के नव नियुक्त जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी का बीजेपी ऑफिस में जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की होगी।
पीटीआई परीक्षा के लिए एचएसएससी ने शेड्यूल जारी कर दिया। रविवार को 5 जिलों में परीक्षा होगी। कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, कैथल और हिसार में परीक्षा केंद्र बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की थी पीटीआई की भर्ती। रजिस्ट्री घोटाले की जांच को लेकर हिसार रेंज के कमिश्नर विनय सिंह फतेहाबाद पहुंचे। तहसील कार्यालय में पहुंचकर कमिश्नर ने काफी देर तक जांच कई फाइलों को खंगाला। कमिश्नर का कहना है कि सरकार ने उन्हें जांच की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसकी वजह से उन्होंने तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। अभी मामले की जांच जारी है, सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। गोलाचीका में सहकारी कृषि समिति में किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। ऑफिस में कर्मचारी नहीं मिलने से किसान खफा है। किसानों का ये कहना है कि कर्मचारी मिलते नहीं और सामान के लिए चक्कर कटवाते हैं। अधिकारी मौके पर पहुंचे और देखा कि वहां पर कई कर्मचारी अपने ड्यूटी से नदारद हैं। ये देखकर कृषि समिति के प्रबंधक आग बबूला हो गए। कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई गई। 14 में से 8 कर्मचारी नदारद मिले। बारिश के बाद फरीदाबाद में हुए जलभराव पर बोलते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। फरीदाबाद में 2 दिनों से हुई बारिश से लोगों की आवाजाही पर लगा ब्रेक। सड़कों पर पानी भरने से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त। फरीदाबाद में हुई बारिश से लोगों को जलभराव के साथ साथ बिजली कुल की समस्या से भी परेशान होना पड़ा। लोगों का ये कहना है कि बारिश से सड़कों समेत बस अड्डे के मेन गेट पर जलभराव है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतें पेश आ रही है। इसके अलावा लोगों ने बताया कि तेज बारिश से शहर में करीब 10 घंटे तक बिजली गुल रही, जिससे परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई। गुरुग्राम में इफको चौक पर धसी सड़क। नेशनल हाईवे 48 के पास की सर्विस लेन के नजदीक करीब 10 फीट सड़क धसी। सड़क धसने से वाहनों के आने जाने पर लगी रोक। सड़क धसने की खबर मिलने के बाद NHAI के अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके की बैरिकेडिंग करके आवागमन को रोका गया। पलवल में मूसलाधार बारिश के बाद लोगों की बड़ी परेशानियां। नाव के जरिए आवाजाही करते दिखे लोग। गुरुग्राम में 2 दिन की बारिश से शहर के कई हिस्सों में हुआ जलभराव। गुरुग्राम बस स्टैंड भी पानी से लबालब। गुरुग्राम में बारिश के बाद शहर में चारों ओर पानी पानी नजर आ रहा था। शहर की सड़क तालाब में तब्दील हो गई तो अंडरपास के अंदर भी पानी भर गया। पानी निकालने के लिए नगर निगम कमिश्नर विनय प्रताप ने अधिकारियों को जिम्मा सौंपा। कुछ इलाकों से कल ही से पानी निकाल दिया गया था। गोल्फ कोर्स रूट पर अंडरपास में भरे पानी को निकालने में काफी दिक्कतें पेश आई। झाड़सा और इफको चौक के पास अंडरपास के पानी को निकाल दिया गया है। जलभराव को लेकर विज ने कहा कि साइबर सिटी में जलभराव के लिए कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है। जल निकासी क्यों नहीं हुई, कहां कहां जलभराव हुआ, इसकी रिपोर्ट मांगी गई। गुरुग्राम में 2 दिन तक हुई बारिश से सेक्टर 46 में मौजूद 4 मंजिला इमारत में दरार आ गई। पुलिस ने इमारत को करवाया खाली। जानकारी के अनुसार सेक्टर 46 में मौजूद ये इमारत साल 1947 में बनी। फतेहाबाद में कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस नेता प्रहलाद सिंह के कार्यालय में इकट्ठा हुए कांग्रेसी राजीव गांधी की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती पर करनाल में कांग्रेस पार्टी के विधायकों और नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्म दिवस को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सद्भावना दिवस के रूप में मनाया। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व पीएम राजीव गांधी को किया नमन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में घरेलू हिंसा से निपटने के लिए एक लीगल सेल का गठन किया है, जिसमें कुछ वकील शामिल हैं। घरेलू हिंसा के शिकार महिलाएं उनसे संपर्क करके मदद ले सकती हैं। अंबाला में निजी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा सालाना फीस लेने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर निजी स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने DEO को हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी सौंपी। ज्ञापन भी दिया। आपको ये बताएं कि अभिभावक सालाना फीस देने से इंकार कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोर्ट ने अभिभावकों को फीस देने के लिए कहा है, लेकिन वर्तमान हालात की वजह से अभिभावक ट्यूशन फीस तो देंगे लेकिन बाकी खर्चे देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए अभिभावकों के पक्ष में सरकार रिव्यू पिटीशन डालेगी। रेवाड़ी में साढ़ू की लड़ाई में मारे गए युवक के परिजनों से मिले नगर परिषद के अधिकारी और SDM। मृतक की पत्नी को DC रेट पर नौकरी देने और आर्थिक मदद का दिया आश्वासन। परिजनों ने की योग्यता के अनुसार नौकरी देने की मांग। शुगर मिल जींद के ने गन्ना किसानों को राहत देने और केंद्र एवं राज्य सरकार के पारदर्शी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बेहतर पहल की है, जिसमें शुगर मिल ने गन्ने के सर्वे के लिए एक ऐप का लॉन्च किया है, जिससे किसानों को गन्ने से संबंधित परेशानियों से निजात मिलेगी।
यह मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर पर ACMC GNA जीन के नाम से उपलब्ध है। इस ऐप पर जाकर किसान गन्ना पिराई सत्र के लिए शुगर मिल द्वारा किए गए सर्वे की जांच कर सकते हैं। पंचकुला में कुख्यात गैंगस्टर सुखा कालो के 3 गुर्गे हथियार सहित गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपियों के पास से हथियारों का जखीरा बरामद किया। कार में सवार 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों के पास से 6 पिस्टल 10 जिंदा कारतूस की बरामदगी। तीनों आरोपी पंचकुला में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। आरोपी से पूछताछ के दौरान हो सकते हैं कई अहम खुलासे। सिरसा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 10 लाख रुपए के हेरोइन के साथ 3 युवकों को काबू किया। CIA पुलिस ने गश्त और चेकिंग के दौरान सूचना के आधार पर कार्रवाई की। DSP ने बताया कि पकड़ी गई हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 10 लाख रुपए आंकी गई है। पकड़े गए युवकों से हेरोइन तस्करी के नेटवर्क से जुड़े बाकी लोगों के बारे में पता लगाया जा रहा है। जींद के मेन बाजार में ज्वेलर्स की दुकान पर इनकम टैक्स की नकली रेट का मामला आया सामने। जानकारी के अनुसार ज्वेलर्स की दुकान पर फिल्मी अंदाज में 2 युवतियां इनकम टैक्स अधिकारी बनकर पहुंची और ज्वेलर्स के खिलाफ शिकायत होने के बाद कहकर कागजात चेक किया। कागजात चेक करने के दौरान इनकम टैक्स अधिकारी बनकर आई युवतियों ने ज्वेलर्स पर 1,35,000 का जुर्माना और 13 लाख के गहने जब्त करने के बाद कही, जिसके बाद ज्वेलर्स ने पुलिस को बुलाया। पुलिस के आने पर जब युवतियों के कागजात चेक किए गए तो सभी कागजात नकली निकले, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। फरीदाबाद में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिससे सरकार को करोड़ों का राजस्व का घाटा हो रहा है। बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में महिलाएं घर से खुलेआम शराब बेच रही हैं, लेकिन पुलिस अवैध शराब की बिक्री को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। महिला द्वारा घर से शराब बेचने की तस्वीरें हो रही वायरल। करनाल के माल रोड पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर तेज रफ्तार इनोवा कार ने 35 साल के एक व्यक्ति को कुचल दिया। इससे इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। फतेहाबाद में GT रोड पर देर रात एक और घोड़ा गाड़ी की टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि घोड़ा गाड़ी पूरी तरीके से टूट गई। खच्चर को गंभीर चोटें आईं। करनाल सोंडी गांव के रहने वाले 16 साल के युवक की नहर में मिली लाश। 3 दिन पहले पश्चिमी यमुना नहर में नहाने गया था युवक। परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाया। कहा, युवक के शरीर पर मिले चोट के निशान, पैर भी थे बंधे हुए। अर्जुन अवार्ड मिलने पर रोहतक के रहने वाले भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान दीपक हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार की खेल नीति ठीक है, लेकिन उन्हें पिछले 5 साल से अभी तक सरकार से कैश के रूप में मदद नहीं मिली। प्रतिभा में निखार के लिए दीपक हुड्डा ने सरकार से की आर्थिक सहायता की मांग। साक्षी मलिक के सवालों को लेकर विज ने कहा कि नौकरियों के लिए नीति बनी हुई है। वेबसाइट पर अपनी काबिलियत के अनुसार देख ले, साक्षी मलिक को नौकरी और इनाम दोनों दिए जा चुके हैं। हरियाणा के यमुनानगर में नेशनल हाईवे पर फिर से 2 हाथियों ने दस्तक दी। हाथियों का ये जोड़ा काफी समय तक हाईवे पर टहलता रहा, जिससे दोनों तरफ भारी संख्या में वाहन जमा हो गए। पोंटा यमुनानगर को जोड़ने वाले इस मार्ग पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में वाहनों का आना जाना रहता है। यमुनानगर में 3रे दिन फिर से सड़क हाथी पर नजर आए, जिसके बाद वन विभाग के कर्मचारी ने पटाखे बजाकर हाथी को भगाया। प्रदेश में 50,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस, अब तक 42,056 लोग हो चुके हैं ठीक। कोरोना से अब तक 567 लोगों की मौत, 24 घंटे में 994 केस मिले। पंचकुला में फिर कोरोना विस्फोट हुआ। ITBP के जवानों सहित कोरोना के 106 नए मामले रिपोर्ट हुए। मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया, कॉन्टैक्ट लिस्ट भी बनाई गई। करनाल में 40 कोरोना पॉजिटिव मामले मिले हैं, जबकि 2 मरीजों के इलाज के दौरान मौत हो गई। 50 वर्षीय और 64 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना ने जान ले ली। दोनों मरीज BP और शुगर की बीमारी से जूझ रहे थे। सिरसा में कोरोना के 36 नए मामले सामने आने के बाद प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई। जिले में अब तक सामने आए 866 कोरोना के मरीज, अब भी एक्टिव केस 397। सिरसा के लघु सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग की मोबाइल टीम ने अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए। SDM सहित कुल 47 अधिकारियों और कर्मचारियों के सैंपल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिए। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सैंपलिंग की प्रक्रिया तेज कर दी। हर रोज करीब 1,000 सैंपल लिए जा रहे हैं। लघु सचिवालय में करीब 400 कर्मचारी हैं, जिनकी जांच की जा रही है। नूह में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले, 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 7 नए मामले, 3 मरीज हुए रिकवर। जिले में अब कुल मरीजों की संख्या 651।
कोरोना की वजह से यमुनानगर में अब दो दिन बाजार रहेंगे बंद। दुकानों का वक्त भी रात 8 बजे से घटाकर 7 बजे कर दिया गया है। जरूरत के सामान की दुकानें 7 दिन खुली रहेंगी। शहर में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही थी, जिसे लेकर जिला उपायुक्त ने हरियाणा व्यापार मंडल के साथ बैठक की। फैसला लिया गया कि अब रविवार और सोमवार को यमुनानगर पूरी तरीके से बंद रहेगा। हिसार की डीसी प्रियंका सोनी ने पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया के साथ औद्योगिक इकाइयों का औचक निरीक्षण किया। कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए लागू किए गए उपायों का जायजा भी लिया। डीसी ने औद्योगिक इकाइयों के प्रबंधकों संचालकों को कोरोना से बचाव के लिए अपने यहां सामाजिक दूरी, मास्क और सैनिटाइजेशन सहित केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों और गाइडलाइंस की पालना करने के निर्देश दिए। नू के सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा में विश्व मॉस्किटो दिवस मनाया गया। विश्व मच्छर दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग ने जिले में मलेरिया का खात्मा करने पर गंभीरता से अमल किया। सिविल सर्जन ने कहा कि हरियाणा में मलेरिया के केस बीते सालों में सबसे ज्यादा नू जिले में मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार राहत की खबर यह है कि अभी तक 18 मलेरिया के मामले ही सामने आए। यमुनानगर में वर्ल्ड मॉस्किटो डे के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएमओ ने बताया कि रेनी सीजन में जहां जहां पर पानी इकट्ठा होता है वहां पर मच्छर का लार्वा पनपता है और इससे डेंगू समेत कई अन्य बीमारियां होती हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी हुए कोरोना पॉजिटिव। ट्वीट कर दी जानकारी, का संपर्क में आने वाले सभी लोग खुद को कर ले आइसोलेट। पूरी दुनिया में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या, कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,25,77,398। अब तक 7,90,964 मौतें। देश में रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे में सामने आए 69,169 केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 28,35,822। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी, एक दिन में सामने आए 13,165 नए मामले। राज्य में मरीजों का आंकड़ा हुआ 6,28,642। अब तक 4,46,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। कोरोना के मामले में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु। कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हुआ 3,55,449। अब भी 53,155 केस एक्टिव। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए 9,742 नए मामले। कुल मरीजों की संख्या हुई 3,16,000। अब तक 2,906 लोगों ने जान गंवाई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा, एक दिन में सामने आए 5,000 से ज्यादा मामले। अब तक 1,15,227 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। दिल्ली में फिर बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में सामने आए 1,398 नए मामले। दिल्ली में 1,40,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। पंजाब में एक दिन में सामने आए 1,683 नए मामले, 22 मरीजों की मौत। अब तक सामने आ चुके हैं कुल 36,083 मामले। राजस्थान में अब तक सामने आए कोरोना के 65,289 केस। अब तक 910 मरीजों की मौत, 49,963 मरीज हो चुके हैं ठीक। 30 से 40 महीने में पूरा होगा राम मंदिर का निर्माण। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने मंदिर के निर्माण को लेकर दी जानकारी। आपको ये बताएं कि 5 अगस्त को पीएम मोदी ने किया था राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास। वकील प्रशांत भूषण अवमानना मामले की सुनवाई टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका। कोर्ट ने प्रशांत भूषण की याचिका की खारिज। दिल्ली के बरसाना इलाके में हुए जलभराव से लोगों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं, वाहनों की लगी लंबी कतार। कश्मीरी गेट और प्रहलादपुर के पास जलभराव से पानी में फंसे कई वाहन, वाहनों को निकालने में जुटा प्रशासन। कई इलाके में बारिश के बीच आपको बताएं कि लोग फंस गए पानी के बीच, गाड़ियों को धक्का मारने पर मजबूर हुए लोग। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 39 में भरा बारिश का पानी, इलाके में लोगों को हो रही काफी दिक्कतें पेश। गाजियाबाद में बारिश से लोगों का बुरा हाल, गलियों में भरा कई कई फीट पानी। रिहायशी इलाकों में नाव चलाकर आवाजाही करते नजर आए लोग। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों से सेना की मुठभेड़, सेना ने मार गिराए 2 आतंकी। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े थे आतंकी। हंदवाड़ा में हुए इस एनकाउंटर में एलईटी के टॉप कमांडर नसीरुद्दीन लोन, सुरक्षा बलों ने इसे किया ढेर, कई आतंकी हमलों में शामिल था। हैदराबाद में सुरक्षा एजेंसी ने बरामद की 52 किलो प्रतिबंधित ड्रग्स। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत करीब 6 करोड़ रुपए।